हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं LG के MultiV 3, 4 एंड 5 और MultiV S के ऑटो एड्रेसिंग के बारे में। ये जो आप मॉडल नंबर देख रहे हैं, आउटडोर देख रहे हैं, ये LG का फुल HP का MultiV 4 प्रीमियम मॉडल है। सबसे पहले हम इसका सर्विस बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इसमें हमको मेन PCB दिखेगा, डिप स्विच और LGMB लगाने का पोर्ट्स वगैरह सब दिखता है, और डिप स्विच हुआ और इंटरनल जो स्विच होते हैं सेटिंग के, वो भी हमको दिखते हैं। ब्लैक कलर के 3 स्विच दिख रहे हैं, एक रेड कलर का स्विच दिख रहा है, एंड रीसेट बटन, ये हमको इस बॉक्स हटाने से मिलता है देखने को। इसमें नॉइस फिल्टर और जो सबसे नीचे लगा हुआ है एक्सटर्नल PCB। तो ऑटो एड्रेसिंग के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है कि इंडोर से आउटडोर के लिए जो वायर आया होता है वो एक्सटर्नल PCB के IDU 1 एंड IDU 2 में लगा होना चाहिए। ए या बी करके लिखा होगा, IDU A IDU B, तो उसमें कनेक्ट है या नहीं वो देख लेने का है सबसे पहले। तो वो कनेक्ट होने के बाद में सब्सक्राइब ना and press the bell icon. Never miss an update. इंडोर से आया हुआ वायर कनेक्ट होने के बाद में हम इसको, अगर हमने पावर रीसेट किया है तो हमको 3 मिनट तक वेट करना होगा। अगर पावर रीसेट पहले ही कर चुका है आपने, MCB ऑन कर दिया है, तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद हम इंडोर्स को, जितने भी इंडोर्स हैं, इसमें 4 इंडोर हैं, तो चारों भी इंडोर्स को का पावर सप्लाई जो है वो ऑन करेंगे और इंडोर को रिमोट से बंद करके रखेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं रिमोट से बंद है चारों भी इंडोर्स, पहला इंडोर, दूसरा इंडोर, ये भी बंद है रिमोट से, देख सकते हैं रिमोट से बंद है। ओके, तो इसी तरह से जितने भी इंडोर हैं, अगर 5 है, 10 है, 15 है, जितने भी इंडोर्स हैं, उन सारे इंडोर्स को रिमोट से बंद रखने का, पावर सप्लाई ऑन रखना है और रिमोट से बंद करके रखना है ऑफ मोड पे। ओके, ये देखिए सारे इंडोर्स मेरे जितने भी हैं, चारों के चारों, चारों भी इंडोर मेरे वो रिमोट से बंद हैं। इंडोर मेरा बंद है अभी इस समय। इसके बाद हम क्या करते हैं, आउटडोर के पास जाते हैं। आउटडोर पे जाने के बाद में जो रेड कलर का स्विच दिख रहा है, डिप स्विच, देख सकते हैं आप, ये इसको हमको प्रेस करके रखने का है। मतलब मिनिमम 15 सेकंड के लिए इसको दबा के रखेंगे। तो जैसे ही हम इसको दबाते हैं, डिस्प्ले पे 88 लिख करके आ जाता है। देखिए 88 लिख के आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ ध्यान देना है डिस्प्ले पे कि जब हमारी ऑटो एड्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो जितने इंडोर्स हैं लगे हुए, उतने ही इंडोर यहाँ पे बिलिंग करना मांगता है, उतने ही इंडोर डिस्प्ले पे दिखाई देगा। देखिए अभी ऑटो एड्रेसिंग मोड पे है, और इसके भी डिस्प्ले के बाजू में जो डिप स्विच हैं ये सब ऑफ होने चाहिए, सब नीचे होने चाहिए, इनको ऊपर नहीं करते हैं। अगर आउटडोर स्लैब, अगर एक एक्स्ट्रा आउटडोर ऐड होता है तभी इन डिप स्विच को उठाया जाता है। और भी बहुत सारा काम है, मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा इन डिप स्विच का क्या क्या काम होता है। फिलहाल ऑटो एड्रेसिंग की वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप देखिए ध्यान से। तो जब तक ऑटो एड्रेसिंग हो रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी से देखने को मिले। देखिए अभी भी 88 ही लिख करके आ रहा है, इस पर 88 लिख करके आ रहा है, अभी ऑटो एड्रेसिंग हो रही है। अगर जितने ज़्यादा इंडोर होंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। अभी 4 इंडोर हैं तो मिनिमम 2 से 3 मिनट लेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। बस ये ध्यान देना है कि जितने इंडोर हैं उतना ही डिस्प्ले पे नंबर आना चाहिए। अगर 4 इंडोर हैं तो 4 आएगा, 5 इंडोर हैं तो 5, 6 इंडोर है तो 6, जितने भी इंडोर हैं डिस्प्ले पे वो दिखिए। अभी मेरा 4 इंडोर है तो यहाँ पे डिस्प्ले पे 4 नंबर शो कर रहा है, ठीक है। अब इंडोर पे जाएंगे तो इंडोर पे भी हर एक नंबर का एक एड्रेस होता है। तो अभी देखिए ये लाइट जो बिलिंग कर रही है, ये कितनी बार, 1, 2, 2 बार बिलिंग कर रही है, तो ये एड्रेस नंबर 2। तो अगर इसमें रिमोट लगा रहेगा तो ये एरर क्रिएट हो जाता है, मतलब एक CH02, CH01, जितने भी इंडोर रहेंगे उतनी बार लाइट बिलिंग करेगी। इसमें देखिए 2, 3, ये 3, 4 नंबर का आउटडोर इंडोर है ये, और ये इंडोर है 2 नंबर का, 3 नंबर का इंडोर है। तो जितने भी इंडोर होंगे 1, 2, 3, 4, तो जहाँ से जो पहला इंडोर होएगा उसकी 1 बार लाइट बिलिंग करेगी, जो लास्ट इंडोर होएगा जो 4 नंबर है तो उसकी 4 बार लाइट बिलिंग करेगी। ये कुछ समय के लिए ही इंडोर होता है,
ज़्यादा देर तक कुछ समय के लिए ही ये लाइट बिलिंग करती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लाइट बंद हो जाएगी। आप रिमोट से ऑन करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी। देखिए मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अभी आउटडोर पे देखिए एरो वो जो लाइट बिलिंग कर रहा था डिस्प्ले पे वो टाइम वो बंद हो गया है। आउटडोर मेरा बंद है, फैन बंद है आउटडोर का, देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अभी हम रिमोट से इंडोर को ऑन करेंगे। देखिए इंडोर को ऑन कर दिया है, एक इंडोर को ऑन कर चुके हैं। इसी तरह से हम सारे इंडोर को रिमोट से ऑन कर लेंगे। अभी दूसरा इंडोर को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए ये भी ऑन हो गया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। इसी तरह से हम चारों इंडोर को ऑन कर लेते हैं और सिस्टम हमारा चालू हो जाएगा। एड्रेसिंग करने की ज़रूरत कब पड़ती है ये मेन ध्यान रखना है कि जब हम नया मशीन लगाते हैं, इंडोर नए इंडोर लगाते हैं, आउटडोर लगाते हैं, तो कमीशनिंग के टाइम पे एक एड्रेसिंग करना पड़ता है। और दूसरा, कभी अगर हम इंडोर का पीसीबी चेंज करते हैं तो वो टाइम पे भी हमको एड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नया पीसीबी लगाते हैं इंडोर का या आउटडोर का, एक्सटर्नल पीसीबी अगर चेंज करते हैं तो हमको एड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ऑटो एड्रेसिंग की। ओके, तो अभी देखिए अभी आउटडोर चालू हो गया है, इंडोर मैं चालू किया था, ये देखिए आउटडोर भी चलने लगा है, फैन चालू हो गया इसका, ऑटो एड्रेसिंग कंप्लीट हो गया, सिस्टम वर्किंग ओके, सिस्टम हमारा एकदम मस्त चल रहा है, चालू हो गया है ऑटो एड्रेसिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको LG के VRV मल्टीवी एस के बारे में, मल्टीवी 4, मल्टीवी 5 के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ये इसका वायरिंग बॉक्स है, वायरिंग बॉक्स पे इसके PCB के बारे में दिया हुआ है सब कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।